13.2 गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। पहला, गोलीय दर्पण पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, वे परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से होकर गुजरेंगी, ब उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरा, गोलीय दर्पण पर जो किरणें अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हैं, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, ब उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की दिशा में जाती हुई दिखती हैं, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा, हम जानते हैं कि जब आपतित किरण अभिलंब दिशा से आपतित होती हैं, तो वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। इसलिए गोलीय दर्पण पर जो किरणें अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती हैं, वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, ब उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई दिखती हैं, वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। चौथा, गोलीय दर्पण में जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती हैं, तब वह आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। इस स्थिति में P बिंदु पर मुख्य अक्ष अभिलंब है।